वेलकम ऑल डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं मिश्रण, इसका पार्ट टू। सो पार्ट वन में हमने कई सारे बेसिक टाइप्स डिस्कस किए थे और आज हम पार्ट टू में फिर उससे थोड़े से लेवल बढ़ाकर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। यदि आपने अभी तक पार्ट वन नहीं देखा है तो सबसे पहले आप पार्ट वन देख लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्योंकि यहां पर आप जो क्वेश्चन आज हम पढ़ेंगे वो उसी पर बेस्ड है। उसके बाद आप इसको देखेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएगी। तो चलिए आज हम यहाँ पे तीन टाइप हम डिस्कस करने वाले हैं और उनमें बहुत सारे क्वेश्चंस यहां पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा, मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ देता हूं। दो समान बर्तनों को पानी और दूध के 3:4 और 5:3 के अनुपात में भरा जाता है। यदि इन मिश्रणों को तीसरे बर्तन में डाला जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। दो अलग अलग वेसल्स हैं, दो अलग अलग बर्तन हैं, जिसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो आपको दिया हुआ है 3:4 एंड 5:3, और दोनों को मिक्स करके मिल्क एंड वाटर का नया रेशियो आपको बनाना है। यह इस टॉपिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसको हम सबसे पहले समझते हैं क्या करना है। आपको जैसे हम एक वेसल को नाम दे देते हैं ए और एक वेसल को नाम दे देते हैं बी, दो अलग अलग बर्तन है। इसमें मिल्क और वाटर का एक रेशियो दिया हुआ है, इसमें भी आपको मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है। तो क्या क्या रेशियो आपको दिया हुआ है, एक है 3:4 और एक है 5:3। एक का रेशियो है 3:4 और एक का रेशियो है 5:3, और इन दोनों को मिक्स करके एक नए बर्तन में, एक नए वेसल में मिक्स किया जाए तो मिल्क और वाटर का नया रेशो क्या होगा। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक तरीका होता है फ्रैक्शन और एक तरीका होता है रेशो। तो हमारे लिए ज्यादा इजी रहेगा यदि हम इसे रेशो से करते हैं। तो आइए उस ट्रिक को हम समझते हैं। आपको बस एक छोटा सा काम ही करना है कि यहां पर इन दोनों की क्वांटिटी को सेम करना है। जैसे सपोज करिए कि ए जो हमारा कंटेनर है या वेसल है, इसमें मिल्क और वाटर, दूध और पानी का अनुपात 3:4 है। मतलब हम ऐसा मान लेते हैं कि 3 लीटर दूध है, 4 लीटर पानी है, मतलब टोटल कितना है 7। यहां पर आ जाएं तो यहां पे टोटल कितना है 8। इन दोनों को आप सेम करिए, तो इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। इनका टोटल कितना है 7, तो आप इन दोनों में 7 का मल्टीप्लाई कर दो, और इन दोनों का टोटल कितना है 8, तो आप इन दोनों में 8 का मल्टीप्लाई कर दो। तो इससे दोनों की टोटल क्वांटिटी इक्वल हो जाएगी। तो देखिए, जैसे मैं अभी फिलहाल इस सी को यहां से हटा देता हूं और इनका हम नया रेशो लिख लेते हैं। तो 8 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो हो जाएगा 24, और 8 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो हो जाएगा 32। 8 का 3 गुना 24, 8 का 4 गुना 32। ऐसे 7 का हम 5 गुना कर देते हैं तो 7 × 5 हो जाएगा 35, और 7 × 3 हो जाएगा 21। आप चाहें तो प्लस करके देख लीजिए, 4+2 होता है 6, 3+2 होता है 5, मतलब इनका टोटल हो गया 56। 24 और 32 कितना होता है 56, इनको जोड़कर आप देख लेंगे तो इनका टोटल भी कितना आएगा 56। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब आप इन दोनों को प्लस कर सकते हो। तो अब जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे, दोनों को मिलाएंगे, तो देखिए क्या होगा। एक तरफ हम मिल्क लिखेंगे, एक तरफ वाटर लिखेंगे, तो मिल्क मिल्क एक तरफ, वाटर वाटर एक तरफ। कई बच्चे क्या करते हैं कि इनको शुरुआत में ही जोड़ देते हैं, वो सोचते हैं 5+3 8 और 4+3 7, यही आंसर होगा। तो ऐसा नहीं होता है। जब तक आप क्वांटिटी इक्वल नहीं करोगे, दोनों का टोटल बराबर आना चाहिए। इन दोनों का टोटल 56 है, इन दोनों का 56, 56 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप जोड़ो, तो आप 24 और 35 को प्लस करोगे तो 5 और 4 हो जाएगा आपका 9, 3 और 2 हो जाएगा आपका 5, तो ये बन गया आपका 59, ये मिल्क हो गया। इसी टाइप से हम यदि वाटर को देखें तो 2+1 हो जाएगा 3, और 2 और 3 हो जाएगा 5, तो ये आ जाएगा हमारा 59 और ये आ जाएगा हमारा 53। तो अब जब दोनों सॉल्यूशन को आप मिक्स करेंगे तो जो नया रेशो बनेगा मिल्क एंड वाटर का, वो बनेगा 59:53। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम और आगे क्वेश्चंस करने वाले हैं, बट पहले आप ये अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इसी पर आगे हम क्वेश्चन सारे करेंगे। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एक छोटी सी चीज और मैं आपको बता दूं कि यदि आप बैंकिंग, SSC, EPFO या रेलवे, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और एक अच्छी टेस्ट सीरीज, आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चाहते हैं, तो आप ऑली बोर्ड की ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। और यदि आप मुझसे डेली लाइव पढ़ना चाहते हैं तो मैं अनअकैडमी पर डेली लाइव क्लासेस लेता हूं। अब वहां पर मेरी 2 आवर्स की रेगुलर लाइव क्लास होती है, जो आप घर बैठे अपने मोबाइल पर क्लास अटेंड कर सकते हो। उसकी डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां से उस लिंक को फॉलो करके आप मेरी लाइव क्लासेस देख सकते हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ें और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
आइए टाइप फाइव का हम क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ देता हूं, आप भी एक बार जल्दी से पढ़ लीजिए। अगेन सेम क्वेश्चन है, दो समान बर्तनों में पानी और दूध का अनुपात 13:5 और 17:19 है, 17:19। दोनों को मिक्स करके वापस से हमें एक नया रेशियो बनाना है वाटर एंड मिल्क का। इस बार एक चीज आप क्वेश्चन में ऑब्जर्व कीजिए, पहले वाटर लिखा है बाद में मिल्क, पहले पानी है बाद में दूध लिखा है। तो चलिए रेशियो वापस से हम ले लेते हैं, एक को ए नाम दे देते हैं, इसमें मिल्क और वाटर, सॉरी पहले वाटर लिखा है तो वाटर लिख लेते हैं और इस तरफ मिल्क लिख लेते हैं, और इसका रेशियो है 13:5। वही यदि हम दूसरे कंटेनर को देखें तो उसमें मिल्क, सॉरी वाटर और मिल्क का जो रेशियो है वो क्या दिया हुआ है, तो वो दिया है 17:19, 17:19। तो अब मैं चाहूंगा कि आप एक बार वीडियो को यहीं रोककर पहले खुद से करने की कोशिश कर लो, फिर आप इसका सॉल्यूशन देखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा, है ना। तो हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या सीखा था, लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि दोनों का टोटल इक्वल होना चाहिए। तो आप देखिए 13:5, 13:5 कितना होता है 18, तो इनका टोटल आ रहा है 18, और यदि हम इन दोनों का देखें तो इन दोनों का टोटल आ रहा है 36, ठीक है। तो ये 18 है, ये 36 है, तो हम एक काम कर सकते हैं, ये 36 है, 36 रहने दो, क्या इसको 18 को 36 बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, दोनों का डबल कर देते हैं। तो इस बार हम इधर कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी सेट है, बस इन दोनों को हम डबल कर देते हैं। तो 13 का डबल हो जाएगा 26 और 5 का डबल हो जाएगा 10। तो अब कंटेनर ए का जो नया रेशियो बनेगा वाटर और मिल्क का, वो बनेगा 26:10, और ये तो ऑलरेडी सेट था। तो 26:10 होता है 36, 36 और 17:19 भी कितना होता है 36। अब कोई दिक्कत नहीं है, आप मिल्क मिल्क एक तरफ और वाटर वाटर एक तरफ करके प्लस कर सकते हो। तो हम यहां पर जो नया मिल्क और वाटर का पहले, अच्छा ये भी डिपेंड करता है कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो आप ये भी देखिए पानी और दूध का अनुपात ही पूछा है, मतलब आपको आगे वाटर ही रखना है और लास्ट में मिल्क ही रखना है, ठीक है। तो बस प्लस कर देते हैं 26 और 17, यदि आप इन दोनों को प्लस करते हो तो कितना आ जाएगा 43, 6 और 7 कितना हो जाएगा 13, 13 का 3 कैरी हो जाएगा 1, 2+1+1 ये हो जाएगा 43, और यदि 19 और 10 को यदि हम प्लस कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा आपका 29, तो आपका वाटर और मिल्क का फाइनल रेशो आ जाएगा 43:29। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। पर अब इस क्वेश्चन में आपकी प्रॉब्लम तब बढ़ सकती है जब तीन कंटेनर हो जाए, अभी तो हम दो बर्तन है उनको मिक्स कर रहे हैं, यदि तीन अलग अलग आपको बर्तन दे दें और उन्हें मिक्स करना है तो क्या करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पर बेस्ड है, तो जल्दी से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आप एक बार पढ़िए और मैं भी एक बार क्वेश्चन को पढ़ देता हूं। तीन, अब यहां पे देखिए तीन कंटेनर है, तीन अलग अलग वेसल्स हैं, इसमें एसिड और वाटर का रेशियो 2:1, 3:2, 5:3 है। समान मात्रा के तीनों प्रयोगों से एक मिश्रण बनाना है, तो अब नया पानी और अम्ल का अनुपात क्या होगा। चलिए तो अब यहां पर हमें तीन चीजों को मिक्स करना है, तो इन तीन को हम कैसे मिक्स करेंगे वो समझ लेते हैं। देखिए रेशो क्या क्या दिए हुए हैं पहले तो वो ध्यान से देख लें। तो एक हमारे पास रेशो है एसिड और वाटर का है 2:1, फिर दूसरे में एसिड और वाटर का रेशो क्या दिया हुआ है वो है 3:2, और तीसरा है जिसमें एसिड और वाटर का रेशो है 5:3। अब इन तीनों को मिक्स करके फोर्थ कंटेनर में एसिड और वाटर का रेशो क्या होगा, और एक चीज आपने यदि ऑब्जर्व करी तो लास्ट में आपसे वाटर और एसिड, पानी और अम्ल का अनुपात पूछा है। कभी कभी ये चीज ध्यान न देने से, क्योंकि आंसर तो आप ले आते हो पर उन्होंने एसिड और वाटर ना पूछते हुए वाटर एसिड पूछ लिया, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए तो हमने क्या सीखा है कि ये सब बराबर होना चाहिए, 2+1 कितना होता है 3, 3+2 होता है 5, 5+3 होता है 8। तो आप देखिए 2+1 हो गया 3, 3+2 हो गया 5 और 5+3 हो गया 8। इन तीनों को यदि इक्वल करना है, मतलब एक प्रकार से इनका हमें एलसीएम लेना है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिस पे ये तीनों इक्वल हो सकते हैं, तीनों बराबर हो सकते हैं। थोड़ा सा आप सोचिए कि कौन से नंबर पे तीनों बराबर हो सकते हैं। तो हमारा एक ऑप्शन हो सकता है 60, पर 60 में 8 से जो है वो डिवाइड नहीं होता है, तो इन तीनों का एलसीएम आएगा 120। सभी को टोटल कितना बनाना पड़ेगा 120, तब जाकर ये तीनों बराबर होंगे। अब देखिए यदि ये 3 है, ठीक है ये 3 है, तो 3 को यदि 120 बनाना है, वैसे भी देखो बड़ी सिंपल सी बात है,
थ्री है तो थ्री में किसका मल्टीप्लाई करना है, एट और फाइव का, मतलब आपको यहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 40 का, क्योंकि देखो 2 प्लस 1 3, 3 का जब 40 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 120। अच्छा यहां पे भी आपको सोचना नहीं है, इनका टोटल क्या है 5, तो 5 को यदि छोड़ दें तो 5 को छोड़कर क्या बचते हैं 8 और 3, मतलब आपको यहां 8 और 3 किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 24 का, ठीक है। और यहां पर 8 है मतलब यहां पर आपको किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 15 का, समझ में आया। उस नंबर को छोड़कर जो दो नंबर्स बचे हैं उनका आप मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि देखिए एक तो ऑलरेडी 3 है, यदि इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो सब बराबर हो जाएंगे ना, इसलिए उस नंबर को छोड़कर बचे हुए दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर दो। सबको टोटल जब आप करोगे तो सभी का इंडिविजुअली टोटल जो आएगा वो 120 आएगा डेफिनेटली। चलो तो अब इसको हम करें, 40 का मल्टीप्लाई आपको दोनों में करना है, तो 40 का डबल और 40 इंटू 1 ये एक आ गया हमारे पास। ऐसे यहां पे 24 का मल्टीप्लाई कर दें तो 24 का 3 टाइम्स क्या होता है 72 और 24 का डबल क्या होता है 48, ये एक पार्ट हो गया हमारा। यहां पर हम करें तो 15 का 5 टाइम्स क्या हो जाएगा 75 और 15 का 3 टाइम्स क्या हो जाएगा 45। अब आप चाहो तो करके देख लो सबका टोटल, 80 प्लस 40 120, 72 प्लस 48 120, 75 प्लस 45 120, सारे 120 बन गए। अब आप फ्री हो सबको प्लस करने के लिए, तो सबसे पहले हम एसिड प्लस कर लेते हैं, मतलब इन तीनों को हम प्लस करेंगे तो इन तीनों का टोटल क्या होगा 5 और 2 7, यहां तो 0 है तो ये मैंने लिख दिया 7। अच्छा मैं डायरेक्ट लिख देता हूं जो आपसे पूछा है, वाटर और एसिड का रेशियो पूछा है इसलिए एसिड को मैं इस तरफ लिख रहा हूं, बाद में हम चेंज करें या शुरुआत में लिख लें एक ही बात है। अब आगे हम बढ़े तो 7 प्लस 7 कितना हो जाएगा 14, 14 प्लस 8 तो ये हमारा टोटल बन जाएगा 227। वाटर का टोटल कर लेते हैं मतलब 40, 48 और 45 इनका टोटल करते हैं तो 8 और 5 हो जाएगा 13, यहां पर 0 है मतलब 3 कैरी हो जाएगा 1, 4, 4 और 4 मतलब 12 और 1 13 मतलब ये हो जाएगा आपका 133। तो आपका वाटर और एसिड का जो फाइनल रेशियो बना वो क्या बन जाएगा 133 रेशियो 227, समझ आया। तो आपने सभी को प्लस किया इंडिविजुअली और उसके बाद आपको फाइनल रेशियो मिल जाएगा। तो इस तरीके से जब हमें तीन रेशियो को कंबाइन करने का बोलेंगे तो एक एलसीएम लेकर उन सबको एक पॉइंट पर लेकर आना है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम टाइप देखते हैं, तो आगे बढ़ते हैं हम टाइप नंबर 6, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं, एक मिश्रण में मदिरा और पानी का अनुपात 3:1 है, मिश्रण से कितना भाग निकाला जाए और उतना ही पानी मिलाया जाए ताकि मिश्रण में मदिरा और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। अ बैरल कंटेन्स अ मिक्सचर एंड वाइन इन द रेशियो 3:1, हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ एंड सब्स्टिट्यूटेड बाय वाटर सो दैट द रेशियो ऑफ वाइन एंड वाटर इन द रिजल्टेंट मिक्सचर इन द बैरल बिकम्स 1:1। देखो बहुत सिंपल है और इसको मैं आपको, आप किसी भी बुक में देख लेना, इसका आपको हमेशा जो मेथड है जो सॉल्यूशन मिलेगा वो आपको x से मिलेगा और मैं आपको 5 सेकंड के अंदर इसका आंसर लाना सिखाता हूं। तो चलो पहले मैं इसको क्लीन कर लेता हूं और आप एक बार अपने लेवल पे कोशिश करके देख लो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो, फिर मैं आपको बता दूं क्या करना है। देखिए दो चीजें हैं हमारे पास, एक आपको बोला है वाइन और एक है वाटर, ठीक है। वाइन मतलब मदिरा और एक हो गया आपका वाटर मतलब पानी, जिसका रेशो फिलहाल 3:1 है और हमें कुछ ऐसा करना है कि इसका रेशो क्या बन जाए 1:1। 1:1 का मतलब क्या होता है, इक्वल, दोनों बराबर बन जाए, है ना। तो फिलहाल ये 3:1 है और बाद में 1:1 हो जाना चाहिए, तो यहां से कुछ ऐसा भाग निकालें और उतना ही पानी वहां पे मिक्स कर दें जिससे दोनों इक्वल हो जाएं। अब एक छोटा सा पॉइंट आप समझना, दोनों को बराबर करना है, ये 3 है ये 1 है, सपोज कर लो कि मैं इसका एक यूनिट निकाल लूं, तीन में से एक निकाल लूं तो ये क्या बचेगा 2, और उस एक को इधर मिक्स कर दूं तो ये भी क्या बन जाएगा, मतलब इधर से एक कम करके इधर एक प्लस कर दें तो इधर से एक कम करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 2, और इधर एक जोड़ देंगे तो ये भी क्या बन जाएगा 2, दोनों 2:2 2:2 बन जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो बस आपको कुल मिलाकर यहां से एक पार्ट निकालना है इसका, तो एक पार्ट निकालना है 3 का और बस यही आपका आंसर है कि 1/3 रिप्लेस कर लो और आप वाटर मिक्स करोगे दोनों क्या बन जाएंगे सेम, सिंपल इस तरीके से आप कर सकते हैं। आइए इसी टाइप में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इससे थोड़ा सा डिफरेंट है और ये जो अभी हमने टाइप 5 में 3 क्वेश्चंस करे उसी को और टफ बनाकर पूछा जाता है, तो चलो उसको हम सॉल्व करते हैं।
चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। सबसे पहले दो बर्तन है ए और बी, जिसमें अम्ल और पानी, एसिड और वाटर का रेशियो जो है 4:3, 2:3 है। दोनों के द्रव को, दोनों के सॉल्यूशन को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि सी में नया मिश्रण में आधा अम्ल और आधा पानी हो जाए। अब आपने ऑब्जर्व किया, लास्ट इसके पहले हमने जो क्वेश्चंस किए थे उसमें आपसे बस ये बोला था कि दोनों को मिक्स करके नया रेशो बता दो। यहां क्या बोल रहे हैं कि दोनों को किस रेशो में मिलाएं जिससे हाफ एसिड और हाफ वाटर, मतलब आधा अम्ल और आधा पानी हो जाए। मतलब उन्होंने इस बार रिजल्ट आपको दे दिया है कि दोनों 1:1 बराबर बराबर होना चाहिए, इस तरीके से मिलाओ। चलो तो देखो आपको रेशो क्या क्या दिए हुए हैं। 1:4 और 1:2:3। आई थिंक यही है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। 4:3, 2:3 और ये एसिड है, ये वाटर है, ये भी एसिड है, ये वाटर है, और दोनों को इस तरीके से मिक्स करना है कि एसिड और वाटर का रेशियो 1:1, मतलब आधा भाई आधा आधे का, आधे आधे का मतलब क्या है कि आधा अम्ल आधा पानी, मतलब दोनों बराबर होना चाहिए, एक अनुपात एक होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे करने का तरीका आप समझिए। यहां पर हम लगाएंगे एलिगेशन, मतलब जो हमने फॉर्मेट सीखा था दो वैल्यूज फिर क्रॉस में माइनस करना, वो इसमें आप एक बात याद रखना कि कोई भी एक वैल्यू लेना, या तो सिर्फ एसिड ले लेना या सिर्फ वाटर ले लेना, आंसर दोनों से सेम आएगा। तो देखो इस तरफ भी हम एसिड लेंगे, इस तरफ भी एसिड लेंगे, और मिड वैल्यू भी हम क्या रखेंगे, एसिड की ही रखेंगे। चलो तो आप देखो कि यहां पे टोटल क्वांटिटी कितनी है, हम ऐसा मान लेते हैं कि टोटल यहां पे कितना है 7, उसमें से एसिड कितना है 4, तो एक तरफ है हमारे पास 4/7। इधर आ जाइए, यहां टोटल कितना है 5, 5 में से एसिड कितना है, तो वो आ गया 2/5। अब आ जाते हैं हम मिड वैल्यू पे, तो हमें रिजल्ट क्या चाहिए, 1:1, मतलब आधा आधा, तो उसमें एसिड कितना होना चाहिए, हाफ 1/2, या आप ऐसे भी देख लो कि टोटल 2 में से कितने पार्ट है 1। अब आपको इन्हें क्रॉस में माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, तो आप 4/7 में से 1/2 माइनस करोगे, 2/5 में से 1/2 माइनस करोगे, जो रिजल्ट आएगा बस वो आपका रेशो होगा, उसी रेशो में हमें दोनों के सॉल्यूशंस को, दोनों द्रव को मिलाना है। तो मैं इसका रफ यहां वर्क कर देता हूं, 4/7 में से 1/2 यदि आप माइनस करते हो तो एलसीएम आप कितना ले लेंगे, 14, ठीक है, तो 7 से डिवाइड करोगे 2 का डबल हो जाएगा 2 × 4 हो जाएगा 8, और 2 से डिवाइड करोगे तो 7, मतलब ये, तो ये कितना आ गया आपका 1/14। तो जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो ये कितना आएगा 1/14, ठीक है। अब इसको माइनस कर लेते हैं, तो 2/5 में से यदि आप 1/2 माइनस करते हो तो एलसीएम आप कितना लेंगे, 10, तो वैसे भी देखो 2 × 2 हो जाएगा 4 − 5, ये आएगा आपका −1/10, और यहां पर हम माइनस को इग्नोर करेंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां पे आपका आ जाएगा 1/10। तो इन दोनों को माइनस किया 1/14, इन दोनों को माइनस किया 1/10, जो वर्किंग मैंने यहां की है, पर रेशो इस तरीके से तो हो नहीं सकता है, तो अगेन क्रॉस में जाएगा, 14 इधर चला जाएगा, 10 इधर चला जाएगा, तो मैं यहां लिख देता हूं 14:10, 14 इस तरफ, 10 इस तरफ, और यह शॉर्ट हो सकता है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा 7 times, 2 से डिवाइड हो जाएगा 5 times, और ये आएगा आपके क्वेश्चन का आंसर। तो ये थोड़ा सा एक लेवल का क्वेश्चन है, और आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या करना है। यदि आप यहां पे वाटर, यहां पे वाटर और यहां पे वाटर रखेंगे, आंसर आपका सेम आएगा। तो आप दोनों में से कोई भी एक चीज ले लो, या तो सिर्फ एसिड ले लो तीनों जगह, या तीनों जगह आप वाटर ले लो, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। बस ये ध्यान रखना है कि यहां से एक आपने ले लिया, यहां से ये, और एंड रिजल्ट क्या है। कभी कभी यहां पे रेशो चेंज कर दिया जाता है, जैसे यहां तो 1:1 है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देने वाला हूं जिसमें ये रेशो चेंज होकर आएगा, तो उस समय भी हमें मैथड में कोई चेंज नहीं करना है, इसी तरीके से करना है, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप का। दो बर्तनों में अम्ल और पानी का अनुपात क्रमशः 3:1, 5:3 है, इन्हें किस अनुपात में मिलाएं ताकि नए मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 2:1 हो जाए। तो मैं चाहूंगा कि इस बार आप एक बार पहले निकालने की कोशिश करें, फिर आप सॉल्यूशन देखिएगा। तो मैं यहां पे रफ चीजें नोट करता हूं, तब तक आप एक बार अपने लेवल पे सॉल्व करने की कोशिश कर लो जल्दी से। तो आपको रेशो दिया है, क्या क्या चीजें हैं यहां पे, अम्ल और पानी, अगेन एसिड और वाटर ही है हमारे पास दोनों तरफ। ठीक है, और रेशो क्या दिया हुआ है, 3:1,
5:3, ओके, और दोनों को जो लास्ट में हमें एसिड और वाटर का रेशियो चाहिए वो आपको दिया हुआ है 2:1, ओके। तो अब आप समझ गए होंगे क्या करना है। तो चलिए, इधर भी एसिड लेंगे हम, इधर भी एसिड लेंगे, तो मिड में भी एसिड ही लेना पड़ेगा। तो यहां पे टोटल एसिड कितना है, 3/4, समझ गए आप, टोटल 4, उसमें से एसिड कितने पार्ट में है, 3। यहां पे टोटल 8, 5+3 8, 8 में से एसिड कितना है, 5। और यहां जो हमें एंड रिजल्ट चाहिए उसमें टोटल कितने हिस्से हैं, 3, उसमें से एसिड कितना है, 2। तो आप यहां पे लिख देंगे 2/3, एंड अगेन आप क्रॉस में माइनस करेंगे और आंसर आपका आ जाएगा। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं, 3/4 - 2/3, तो आप इनका एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 12, ठीक है, तो 3 × 3 हो जाएगा आपका 9, ये तो आपको करना आता ही होगा, और 4 × 8, तो 9 में से 8 जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/12, ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 1/12। ऐसे इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं 5/8, माइनस में आप करेंगे 2/3, एलसीएम हम क्या ले लेते हैं, 24 ले लें, तो ये हो जाएगा आपका 15, और ये हो जाएगा आपका 16, -1/24, तो इस तरफ मैं लिख देता हूं, और माइनस हम इग्नोर करते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसके आगे भी आपको पता है कि इनको क्रॉस में लेंगे तो 12 इधर आ जाएगा और 24 इधर चला जाएगा, तो आपका फाइनल जो रेशो आएगा वो कितना आएगा, 1:2। तो ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, ओके। सो आई थिंक यहां तक आपको सारी चीजें अच्छे समझ में आ गई होंगी। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पर। देखिए नेक्स्ट हमारा टाइप है टाइप नंबर 7, और क्वेश्चन इसका हमारा जो फर्स्ट है वो देखते हैं। ये भी एक काफी इंटरेस्टिंग टाइप है। देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक बर्तन में 60 किलो दूध है या 60 लीटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 6 किलोग्राम दूध बाहर निकाला गया और उतना ही पानी डाला गया, यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई, बर्तन में शेष बचे हुए दूध की मात्रा बताइए। अ कंटेनर कंटेन 60 केजी ऑफ मिल्क, फ्रॉम दिस कंटेनर 6 केजी ऑफ मिल्क वॉज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड विद वॉटर, दिस प्रोसेस वॉज रिपीटेड फर्दर 2 times, द अमाउंट ऑफ मिल्क लेफ्ट इन द कंटेनर इज। चलो इसको हम समझते हैं, इसकी भी बहुत अच्छी ट्रिक है, उससे हम करते हैं, बस एक छोटी सी चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है। देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है कि टोटल हमारे पास क्वांटिटी कितनी है, 60 kg, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इतना हमारे पास मिल्क है और हर बार 6 लीटर मिल्क निकाल रहे हैं, और फर्स्ट टाइम में 6 लीटर मिल्क निकाला उतना ही वाटर डाल दिया, सेकेंड टाइम अब देखो अब प्योर मिल्क नहीं बचा है, पहले एकदम प्योर मिल्क था, अब आपने जब उसमें पानी डाल दिया और नेक्स्ट टाइम जब आप 6 लीटर निकालोगे तो सिर्फ मिल्क नहीं आएगा, वाटर भी थोड़ा सा आएगा, इसलिए आपसे कहा है कि ये प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई, तो फर्स्ट टाइम में तो मिल्क निकलेगा बट नेक्स्ट 2 times में मिल्क और वाटर दोनों साथ में निकलेंगे, तो हर बार आप कितना रिप्लेसमेंट कर रहे हो, हर बार आप रिप्लेसमेंट कर रहे हो 6 लीटर का, ठीक है। चलो तो आप सबसे पहले क्या करोगे, 60 जो टोटल क्वांटिटी है वो लिख दो, ठीक है, टोटल क्वांटिटी है 60, हर बार आप उसमें से 6 निकाल रहे हो, मतलब बचेगा कितना, 54, और ये प्रोसेस कितनी बार हुई है, कई बार बच्चे समझते हैं 2 ही बार हुई है, पर 2 बार नहीं, 1 बार करने के बाद 2 बार और दोहराई गई, फर्दर 2 times, मतलब टोटल कितनी बार, 3 बार। तो आपको क्या करना है, 60 में से हर बार 6 निकाल रहे हैं, बचा कितना, 54/60, देन 54/60, देन 54/60, जितनी बार प्रोसेस हुई है उतनी बार आप इसको लिख दो, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व कर लो, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो 6 से ये कैंसिल हो सकता है, 9 बार, ये 10 बार, ये भी 9 बार, 10 बार, 9 बार, 10 बार, मतलब हमारा क्वेश्चन फर्दर हो जाएगा 9/10, 9/10 एंड 9/10, 1 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 का क्यूब, ठीक है, 9 के क्यूब में 6 का मल्टीप्लाई करना है, तो 9 का क्यूब आपको याद होगा, 9 का क्यूब क्या होता है, 729, और इसमें हमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 का, और अभी हमारे पास 2 0 बचे हैं, तो 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हो जाएगा, कैरी हो जाएगा 5, 6 × 12 = 12, 12 × 5 = 17, कैरी हो जाएगा 1, 42 और 1 43, तो ये आ गया आपका 4374, ठीक है, और 2 0 आपके बचे थे, इसको आप यहां पे लिख देंगे, बस ये आ गया आपका मिल्क जो रिमेनिंग है, जितना बचा है वो, ठीक है। एक बार फटाफट में बता देता हूं, टोटल क्वांटिटी आपने लिखी,
हर बार कितना रिप्लेस कर रहे हैं बस ये देख लो, तो 60 में से 6 निकाल रहे हैं, कितना बचा 54, और ये प्रोसेस कितनी बार हुई है, 3 बार, तो 54/60, 54/60, 54/60, सीधा आप करोगे इसको सॉल्व, आपको आंसर मिल जाएगा मिल्क की रिमेनिंग क्वांटिटी। और यदि अब 60 में से 43.74 माइनस कर दोगे तो आपको यह भी पता चल जाएगा कि वाटर कितना है, कई बार वो भी पूछा जाता है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इनफैक्ट हम इसी टाइप का लेने वाले हैं, ठीक है। सो यहां तक समझ में आया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट, अब हम टाइप 7 में फिर एक नया क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं। एक बर्तन में 81 लीटर दूध है, एक तिहाई दूध को पानी से विस्थापित किया जाता है, दोबारा एक तिहाई मिश्रण निकाला जाता है, इतना ही पानी मिलाया जाता है, आखिरी में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। ओके, 81 लीटर प्योर मिल्क है कंटेनर में, 1/3 मिल्क इज रिप्लेस्ड बाय वाटर, अगेन 1/3 मिक्सचर इज एक्सट्रैक्टेड एंड इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर। इस बार आपसे मिल्क एंड वाटर का रेशियो पूछा है। चलो, तो अभी हमने सीखा है, सेम हमें उसी तरीके से करना है। टोटल हमारे पास क्वांटिटी है 81 लीटर, और इस बार क्वांटिटी लीटर में ना देते हुए आपसे बोला है 1/3 निकाल रहे हैं। ओके, तो 81 का 1/3 क्या होता है, तो 3 से यदि आप इसको डिवाइड करोगे, सो आई थिंक 27 लीटर आएगा, ठीक है। मतलब आप हर बार 27 लीटर निकाल रहे हो, और इस बार ये पूरी प्रोसेस कितनी बार हुई है, 2 बार। तो हमने क्या सीखा था कि 81 में से 27 निकालोगे तो कितना बचेगा, 54, और हमारे काम का क्या है, ये बचा हुआ। तो देखिए, 81 था और प्रोसेस 2 बार हुई है, तो आपने यहां पे लिख दिया 54/81 और 54/81, जो बचेगा वो हम लिखेंगे। अच्छा, 54 और 81 सॉल्व हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, 27 से 2 टाइम्स और 27 से 3 टाइम्स, तो हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो 81 × 2/3, और ये भी सॉल्व होके क्या बन जाएगा, 2/3, और इसको सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, 81 लीटर क्या है, मिल्क है, तो लास्ट में जो आंसर आएगा वो भी किसका आएगा, मिल्क का। अब देखिए, 3 और 3 होता है 9, 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 टाइम्स 9 का डबल 18, 18 का डबल 36, तो आपको पता चल गया कि अब कितना लीटर मिल्क एंड में बचना है, 36 लीटर बचना है, ठीक है। अब 81 में से यदि आप 36 माइनस कर दोगे, 81 टोटल क्वांटिटी थी, पहले प्योर 81 लीटर मिल्क था, पर अब मिल्क कितना बचा है, 36 लीटर ही बचा है, तो रिमेनिंग क्या है, वाटर है। सॉल्व कर लेते हैं, तो 11 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, 5, और 7 में से 3 जाएगा तो 4, मतलब 45 लीटर क्या है हमारे पास, वाटर है। तो आपसे पूछ रहे हैं मिल्क और वाटर का जो रिमेनिंग जो रेशियो है वो बताइए, तो 36 मिल्क है, 45 वाटर है, ठीक है। इन दोनों को आप कैंसिल कर दीजिए, 9 से 4 टाइम्स, 9 से 5 टाइम्स, तो मिल्क और वाटर का जो रिमेनिंग है क्वांटिटी, उसका रेशियो क्या आएगा, 4:5, 4:5। ओके, तो ये तो खैर हमारे लिए कुछ नहीं था, मेन हमारे लिए यहां पे जो सीखने लायक है वो ये है कि 81 से 1/3 निकाल रहे हो, 81 का 1/3 होता है 27 माइनस किया, मतलब हर बार कितना बचेगा, 54, और आपको हमेशा यहाँ पे क्या लेना है, रिमेनिंग क्वांटिटी, और इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। सो आई होप कि आपको यहां तक अभी सारी चीजें क्लियर होंगी, और इसके आगे मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चंस होमवर्क लिए निकाले हैं, तो वो दोनों क्वेश्चंस आपको अभी यहां पे दिखाई देंगे, आप उनका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और मुझे उन दोनों के कमेंट करके आप बताइएगा कि इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर क्या हैं। ये दोनों क्वेश्चंस वही हैं जो मैंने आपको आज सारा पढ़ाया है उन्हीं में से, तो आगे से हम जो भी वीडियोज लेकर आएंगे उसमें आपको होमवर्क भी मैं आपको दूंगा प्रैक्टिस के लिए, तो आप उनके आंसर मुझे जरूर बताइएगा। सो आई होप कि आज का सेशन पूरा अच्छा रहा होगा, और आज हमने 3 टाइप पढ़े, लास्ट पार्ट में हमने टाइप नंबर 1 से 4 तक पढ़ा, अभी 5, 6, 7, तो अभी तक हमने 7 टाइप्स के इसके टॉपिक देख लिए। फिर हम 1 या 2 दिन के बाद नेक्स्ट पार्ट में फिर कुछ नए टाइप्स और नई टेक्निक्स यहाँ पे सीखने वाले हैं। और वीडियो आपको कैसा लग रहा है, सारा आपको सीखने को मिल रहा है या नहीं, जरूर मुझे कॉमेंट करके बताएं, या आप और कोई सुधार चाहते हैं, कोई भी आपका सजेशन है वो भी आप मेरे साथ शेयर जरूर करें। इसके अलावा मैंने अभी तक बहुत सारे और भी लेसन्स पढ़ाए हैं, जैसे सिंपल इंटरेस्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, परसेंटेज है, टाइम एंड वर्क है, इन सब की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप मेरे इन सारे लेसन्स को भी पढ़ सकते हो और वहां से भी आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको शुरुआत में कहा कि यदि आप एक अच्छी टेस्ट सीरीज चाहते हैं ऑनलाइन, तो आप ऑलीबोर्ड की ऐप इंस्टॉल कर सकते हो और इससे आपको बहुत अच्छे टेस्ट पेपर्स मिलेंगे। और आप मुझसे यदि लाइव पढ़ना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी पर, मैं डेली लाइव क्लास लेता हूं 2 घंटे की, आप वहां पे मुझसे मॉर्निंग 8:30 to 10:30 डेली आप पढ़ सकते हो। इनकेस यदि आप लाइव क्लास मिस भी कर जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है,
सारे जो लेक्चर्स है वो रिकॉर्डेड होते हैं, तो आप बाद में कभी भी फ्री टाइम होता है तो आप रिकॉर्डेड लेसन देख सकते हो। और एक सबसे खास बात कि हमने टेलीग्राम पर एक ग्रुप बनाया है जिसपे मैं डेली एक शीट प्रोवाइड करता हूँ मैथ्स की, उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं और उसका 2 या 3 घंटे बाद उसका सॉल्यूशन भी मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो आप टेलीग्राम पर एक ग्रुप ज्वाइन कीजिए हमारा, उसकी लिंक भी आपको डिटेल में डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, और अदरवाइज आप टेलीग्राम पर जाइए और सिंपल सा लिखिए विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर आदित्य पटेल विदाउट स्पेस, आप लिखेंगे तो आपको ग्रुप मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको सारे नोटिफिकेशन और सारे अपडेट्स आपको मिलते जाएंगे जब भी कोई नया वीडियो आएगा। इसके अलावा आप यदि मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और सभी जगह आप फॉलो करना चाहते हैं सारे सोशल मीडिया पर, तो उसकी लिंक भी आपको यहाँ पे दिखाई देगी, आप वहां पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। और यदि आपने अभी तक विनर्स इंस्टीट्यूट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम यही रुकते हैं और नेक्स्ट पार्ट 3 में हम बहुत ही जल्द मिलते हैं और फिर कुछ नई चीजें सीखेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका थैंक यू।